अब बेटा हमें पढ़ना है दशमलव का वर्गमूल, मतलब जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं उनका वर्गमूल कैसे करोगे। जैसे याद रखा है 17.64, ठीक, अब इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे। बहुत आसान है बेटा, बस वही अपनी विधि का इस्तेमाल करना है ना, भागफल विधि का आप इस्तेमाल करना और आराम से हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना, कुछ भी, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। बस जिसको भागफल विधि नहीं आती वो बेटा हमारा पुराना वीडियो देख ले, ठीक, एक बार भागफल विधि से सीख ले, और जिसको आती है भागफल वो यहाँ पर देख ले, फिर तो देखो हुआ ही पड़ा है। उदाहरण दे रखा है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, वर्गमूल निकालो 17.64 का। अब बच्चे देखते घबरा जाएंगे, यार पॉइंट का कैसे करें, कुछ नहीं करना, वही अपना नॉर्मल तरीका जिस तरीके से बनाते हैं बना दो, ठीक, फिर नंबर जो भी है उसको रख दो, 17.64 है, कोई बात नहीं जी, चुपचाप काम करो। काम क्या है भैया, काम ये होता है कि मैं सबसे पहले क्या निकालता हूँ, पहले ग्रुप बनाता हूँ, तो ग्रुप बनाया दो दो का, तो पीछे से बनाता हूँ, एक ग्रुप ये बन गया, एक दूसरा बन गया, दो ग्रुप बन गए। अब बेटा मुझे पहले वाले 17 को काटना है, तो मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसके वर्ग से 17 कट जाए या इसके आसपास पहुंच जाए, ज़्यादा तो जा नहीं सकते, तो ठीक है। तो एक का अगर मैं वर्ग करता तो एक होता, ये मैं सिर्फ लिख कर आपको दिखाता हूँ, आपको पेपर पर दिखाना नहीं है, ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी रहे। दो का 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है, और 6 का 36 है, और 7 का 49 है, और 8 का 64 है, और 9 का 81 है, और 10 का 100 है, ठीक है बेटा। कम से कम 15 तक तो आपको याद होने चाहिए। हाँ जी ठीक। अब देखो, अब बेटा इसके अंदर हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर कवर करके मेरा इसके आसपास आता है। तो एक भी नहीं ले सकते, एक बहुत छोटा है, दो भी नहीं ले सकते, बहुत छोटा है, 3 3 9 छोटा है, 4 4 16 हाँ कुछ पास पहुंचा, 5 5 25 25 बेटा 5 का तो ज़्यादा हो गया, तो 4 का करना पड़ेगा, वो क्या है 16। तो यहाँ 4 लूँगा मैं, जो भी यहाँ लूँगा वही ऊपर भी लिखूँगा और जो वही मेरा उत्तर होता है, तो ये क्या मेरा 4 4 16 हो गया, 17 में से 16 गया, बचा एक, ऊपर से पूरा जोड़ा उतरा, नीचे आया 64। बोलोगे भैया इस पॉइंट का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसको ठीक इसके ऊपर लगा दो यहाँ हमारे उत्तर में, बस खत्म। बेटा इस नंबर को काटने के बाद ये पॉइंट है ना, तो ऊपर फिट कर दो इस पॉइंट को, ठीक ऊपर एक नंबर के बाद फिट कर दो, खत्म, बस इतना सा करना था, हो गया काम। अब अपना नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते रहो। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी मैंने नंबर यहाँ लिया होता है उसी नंबर को नीचे लिखता हूँ और उसको जोड़ देता हूँ, तो 4 + 4 क्या हो गया 8 हो गया। अब बेटा दिमाग क्या लगाना है, अब दिमाग ये लगाना है कि ये जो नंबर यहाँ पर है जोड़ा उतरता है ऊपर से, इसलिए 64 आया है, सिंगल नहीं उतरता, जोड़ा उतरता है, याद रखना पेयर उतरता है। तो बेटा जो ये आया 164, इसमें क्या देखते हैं एंड में क्या है, एंड में क्या है 4 है ना, तो कोई ऐसा नंबर लूंगा मैं जिसका वर्ग करके एंड में 4 आता हो, क्या आता हो 4, तो ऐसा कौन है, ये देखो 2 से करो तो भी एंड में 4 आता है, और भी है कोई, हाँ 8 से करो तो एंड में 64 आता है, उसके एंड में 4 है, तो ये दो ही नंबर है जिनसे सॉल्व होगा। तो पहले 2 लेकर देख लो, और अगर 2 से काम ना बने तो फिर 8 लेके देखना। प्रैक्टिस करते करते बेटा आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि अगली बार तुम ले चेक नहीं करोगे, सीधा सॉल्व कर दोगे। तो पहले जरा आइडिया लगा कर देखते हैं, अगर 2 का करते हैं तो 4 होता है, जरा 2 लेकर देखते हैं, अगर यहाँ 2 लेते तो क्या होता है, यहाँ पर रफ में करता हूँ कहीं वो खराब ना हो, अगर 2 लेते तो क्या होता, तो 8 के आगे 2 लग जाता, ठीक, और जो भी यहाँ पर लगता है उसको ही नीचे लिखते हैं और गुणा करते हैं पूरे से, तो 2 2 4 8 2 16 164 काम हो गया। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिया 2, क्या लिया 2, जो यहाँ लेता हूँ वही ऊपर लिखता हूँ, तो पॉइंट के बाद लिखूंगा 2, अब जो भी यहाँ लेता हूँ उसको नीचे लिखूंगा और उसकी गुणा होगी, तो 2 2 4 8 2 16 और बेटा 0 आ गया, और आपका आंसर क्या आ गया 4.2। तो वर्गमूल 17.64 का उत्तर है 4.2। समझ में आया बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं, टेन दिखाओ बेटा दूसरा, ये बहुत बेकार चलता है, अब बेटा उदाहरण, बेटा उदाहरण नंबर 13 है हमारे पास, 12.25 का वर्गमूल करना है, वर्गमूल निकालना है भागफल विधि से, आराम से हो जाएगा, देखो तो जो भी नंबर है उसको यहाँ पर ले लो, जोड़े बना लो, जोड़े कैसे बनेंगे पीछे से पेयर, 25 और 12 का बन गया, ठीक। अब बेटा जो शुरू का पहला पेयर है मुझे देखना है 12 मेरा किससे कट सकता है, 12 किसके नंबर के वर्ग से कट सकता है 12, तो चेक करो
बेटा एक से भी नहीं कटेगा, दो से भी नहीं कटेगा, तीन से भी नहीं कटेगा, चार ज्यादा हो जाएगा तो मुझे यहाँ तीन लेना पड़ेगा। क्या तीन लेना पड़ेगा, क्योंकि 12 तो किसी का होता ही नहीं है ना, यहाँ क्या लेना पड़ेगा, तीन। तीन जहाँ लिया तो तीन ऊपर भी लूंगा, तीन का वर्ग होता है नौ, 12 में से नौ गए बचे तीन, ये जो पॉइंट है वो ऊपर लग जाएगा, जिस पेयर के बाद ये पॉइंट है उसके ऊपर लग गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो नंबर यहाँ लिया उसको नीचे लिखो, प्लस करो, तीन प्लस तीन क्या हो गया, छः हो गया, क्या हो गया, छः हो गया। अब बेटा ऊपर से पेयर उतरता है तो क्या उतर के आया, 25। अब बेटा मुझे कोई ऐसा नंबर लेना है जिसका वर्क करने पे एंड में पाँच आता हो, एंड वाले नंबर पे फोकस करना है, तो पाँच एक ऐसा नंबर है जिसके एंड में 25 25 25 आता है, तो ठीक है, तो यहाँ पर पाँच लगा कर देखो, जो भी यहाँ रखोगे वही ऊपर रखना पड़ेगा, वही ऊपर रखना पड़ेगा, और बेटा उसी को इसके नीचे भी रखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 25 25 25 का हासिल लगा दो, 5 6 30 लगा दो, 30 2 32, बेटा आपका उत्तर आ गया 0 और आपका उत्तर आ गया 3.5, तो वर्गमूल 12.25 का उत्तर आया 3.5। समझ में आया, यही था बेटा। देखो देखो, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी किताब के अंदर, जरा उसे उस पर फोकस कर लो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वर्गाकार क्षेत्रफल है ये 2304 मीटर स्क्वायर, इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। भैया वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है, मतलब एक वर्ग निकाल कर देखना है कि किसका वर्ग है। वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब ही होता है किसी की दो बार गुणा करने पर यह आया होगा, किसी की दो बार गुणा करने पर यह आया होगा, तो वर्ग की भुजा होती है ए स्क्वायर, तो मतलब हमें ए निकालना है, खाली ए निकालना है, तो इसका वर्ग मूल कर देना, पता चल जाएगा ये किसका वर्ग है, किसकी दो बार गुणा करने पर 2304 आया, तो 2304 का वर्गमूल निकाल देना है, बस खत्म क्वेश्चन। तो उदाहरण नंबर चार, एग्जाम्पल नंबर 14 सॉरी, ये है 2304 का वर्गमूल करना है सिर्फ तुम्हें। अब कैसे करोगे इसका वर्गमूल भाई, लो जी अब जोड़ा बनाओ, पीछे से एक जोड़ा, आगे से एक जोड़ा, तो हमें पहले वाले जोड़े को काटना है, तो एक कम एक, दो दुनी चार, तीन तिया नौ, चार चौक 16, 25 25 25, तो 25 तो ज्यादा हो गया, तो चार चौक 16 ही लेना पड़ेगा, क्या चार चौक 16 ही लेना पड़ेगा, तो चार का वर्गमूल होता है 16, तो ये आ गया चार, ये आ गया 16, जो यहाँ लेता हूँ वो यहाँ ऊपर लेता हूँ, और 16 23 में 16 गया, क्या हुआ 4 + 7 7 बचा, ऊपर से पूरा जोड़ा उतर कर आएगा, तो 04 704 हो गया, यहाँ पर जो नंबर होता है उसको लिख कर जोड़ते हैं, तो 4 + 4 8 हो गया। अब हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसके एंड में 4 आता हो, तो बेटा किसके नंबर एंड में 4 आता है, तो 2 का वर्ग कर दो तो भी 4 आता है, 4 का वर्ग करो 5 6 6 6 36 77 49 88 64, तो 8 का वर्ग करो तो भी क्या आता है मेरे पास, बोलो 64 आता है, जिसके भी एंड में 4 आता है, तो पहले 2 से करके देख लो, 2 से बात ना बने तो फिर 8 पर चले जाना, पहले छोटा ही करके देखना। तो अगर मैं 2 यहाँ ले लूँ, मैं अलग इसलिए कर रहा हूँ भाई खराब ना हो जाए, तो 2 में यहाँ ले लूँ, 2 बराबर लगाऊँ, वही नीचे लिखना होता है, उसकी गुणा करनी होती है, तो 2 2 4 8 2 16 164, नहीं बेटा काम नहीं बना, यह ज़्यादा है, तो अब यहाँ 8 लेकर देखूँ, 8 पे तो पक्का काम बन जाएगा, तो इधर देख लो, तो यहाँ 8 लगाया, जो यहाँ लेता हूँ वही ऊपर लेना पड़ता है, और जो यहाँ लेता हूँ उसी नंबर को नीचे लिखकर गुणा करनी होती है, 64 64 का 6 लगा, हासिल 6 64 64 6 70, और ये आपका 0 आ गया और 48 आपका उत्तर आ गया, तो उसकी भुजा कितनी आ गई, उस वर्ग की भुजा क्या आ गई, उस क्षेत्रफल की भुजा क्या आ गई, 2304 का वर्गमूल किया तो वर्गमूल क्या आया, 48 आया। क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है बेटा।